पूरे देश भर से जितने प्लांटोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं उनकी कॉन् हमारी एक एनअल कॉन्फ्रेंस होती है तो ये थर्टीन थी तेरहवीं थी और ये लखनऊ में संपन्न हुई बहुत ही अच्छे लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस हुई सेवन स्टार वेन्यू था और देश भर से मतलब चार पाँच सौ प्लान्टॉजिस्ट वहाँ इकट्ठे हुए और आ, हर एक लेवल पे कोई एच है कोई प्रोफेसर लेवल पे काम कर रहा है कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में उन्होंने बहुत अपना हायर लेवल पे काम किया है तो एक्सचेंज ऑफ थाट स्किल्स और ये बहुत वहाँ पर होता है पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आए हैं एक ऐसी शिक्षित के पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिकॉर्डों की झड़ी लगा रखी है और अभी भी लुधियाना के लिए और लुधियाना डेंटल इंसोशन के लिए ये बहुत ही मान की बात है कि जो तेरहवीं इंटरनेशनल कांग्रेस कौं, ऑफ अकैडमी ऑफ औरल इम्प्लान्टोलॉजी जो दो की थी उसमें डॉक्टर साहब ने मल्ले मारी हैं डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में थैंक यू थैंक यू सो मच जी जैसा तो क्या कहना चाहेंगे कि पिछले दिनों में हमने देखा कि आपने अपने फ़ादर की याद में एक ऐसे कैंप लगाए जिसमें सब कुछ फ्री था और लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने असीसें दी मन से और ये बरसी मनाने का और ये किसी को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा जो इवेंट है हमने देखा जिसमें हज़ारों की गिनती में जो पेशेंट थे वो तीन दिन में लगातार आपको दिन भी बढ़ाना पड़ा आपने जो पेशेंट एक बार कैंप में आ गए उनको फिर भी सेवा दी फ्री में और चार पांच दिन जो ये सेवाएं चलती रही क्या कहना चाहिए बिल्कुल सही गल है एक्चुअली मेरा यही मानना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं अगर हम सोसाइटी को पे बैक नहीं करते किसी ना किसी फॉर्म में और हमारा प्रोफेशन भी नोबल प्रोफेशन में आता है तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है हमने याद भी किया और हमने उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर पाए अब इशू ये था कि कुछ पेशेंट्स हमारे जो आपने डेट एक्सटेंड की बात करी कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका हमारा महीने महीना ट्रीटमेंट चला है बट वी डिड नॉट डिस्क्लोज कि भी ठीक है जो क्योंकि हमें करना था वो ट्रीटमेंट हमारी कमिटमेंट थी वो हमने पूरी करी उसको जैसा और ये जो मील पत्थर आपने यहाँ हमारे लुधियाना वासियों के लिए भी ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको इस तरह से सम्मानित किया गया क्या कहना चाहेंगे बेसिकली पूरे पैन इंडिया में एक इम्प्लान्टोलॉजी uh, uh, जो है इम्प्लान्टोलाजिस्ट की एक एक एकेडमी एक एसोसिएशन uh, बनी हुई है जिसको हम एकेडमी ऑफ ओरल इम्पलान्टोलॉजिस्ट कहते हैं और उसमें पूरे देश भर से जितने इम्पलान्टोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं उनकी हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है तो ये थर्टीन थी तेरहवीं थी और ये लखनऊ में संपन्न हुई बहुत ही अच्छे लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस हुई सेवन स्टार वेन्यू था और देश भर से मतलब चार पाँच सौ इम्प्लॉन्टोलॉजिस्ट वहाँ इकट्ठे हुए और आ, हर एक लेवल पे कोई एच है कोई प्रोफेसर लेवल पे काम कर रहा है कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में उन्होंने बहुत अपना हायर लेवल पे काम किया है तो एक्सचेंज ऑफ थॉट स्किल्स और ये बहुत वहाँ पे होता है और उससे बहुत ग्रो करता है आदमी मैं मतलब पर कॉन्फ्रेंस मैं अपनी ग्रोथ जीडी मेरी प्लॉटोलॉजी की ग्रोथ है और मेरी प्रैक्टिस की ग्रोथ है मेरी वहाँ से बहुत ज़्यादा आई तो रिसेंटली उन्होंने जब मुझे वहाँ बुलाया तो वहाँ पर एज अ रीजन में क्योंकि मैं रीजन में जिस तरीके से काम कर रहा हूँ तो एज़ अ रीजन कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था तो रीजन में इस अच्छे काम को करते हुए देखते हुए उन्होंने वहाँ पे सम्मानित किया तो ये बहुत हनर की बात थी कि पंजाब रीजन से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके उस तरीके से एक ऑनर किया जाए तो इट इज़ अ ग्रेट पर प्लेटफॉर्मी ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लंबे समय से आप लगे हुए उन चीज़ों के लिए अब लोग स्माइल डिज़ाइन की बात करते हैं आपने बीस साल पहले इन चीज़ों को स्माइल डिज़ाइन की बात कर लें, अवेयरनेस की बात कर लें आपने जो भी चीज़ आई है लुधियाना में आपने सबसे पहले डेंटल में लेकर आए हैं और उसको आपने अप्लाई किया है और आज वो जो कंपनीज़ हैं वो आपके साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे घर वाली बात है ये बेसिकली ठीक है हम लोगों ने स्माइल डिज़ाइन वो मैनुअल वाला युग था कह सकते हैं बट अब हम डिजिटल युग में आ गए हैं तो अब हम लोग यही सारा काम डिजिटल के थ्रू करते हैं तो अभी रिसेंटली भी हमने कोई केस स्टार्ट किया तो हमने पहले डिजिटली उसको डिज़ाइन किया पहले हमने अब पहले जैसे ए टू जेड चलते थे तो हमें पता नहीं होता था जेड कब आएगा अभी ए बी आएगा सी आएगा तो एक प्रडिक्शन करनी पड़ती थी लेकिन हम एब्सोल्युटली uh, श्योर sure नहीं होते थे बट अब उल्टा हो गया अब हमें एब्सोल्युटली श्योर sure होते हैं ये फाइनल रिज़ल्ट है डिजिटली हमारा पहले से ही डिज़ाइंड होता है फिर हम लोग उल्टा चलते हैं फिर जेड टू ए की फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें पहले क्लियर होता है कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है कितने टाइम बाद कौन सी चीज़ करनी है तो वो सारा हमें क्लियर होता है डिजिटल इसमें डिज़ाइन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सर इम्प्लान्ट की हम बात कर लें तो इम्प्लांट में भी अब आम लोगों के जो जहन में ये आ चुका है कि इम्प्लान्ट भी जो है अब आम बंदे जो हैं क्योंकि पहले इम्प्लान्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे थे जब इम्प्लान्ट स्टार्ट हुए तो बहुत बहुत लोग को लगता कि हम लोग कॉस्ट नहीं दे सकेंगे इसकी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में ये और नई कंपनीज़ आई इंडिया ने ये इम्प्लान्ट बनाने शुरू कर दिए तो ये जो चीज़ है वो एक आम बंदे के जहन में भी आ गई आम बंदा भी उसको यूज़ कर सकता है और आपने क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इम्प्लानोजी का और आप जैसे एक पेशेंट फ्रेंडली हैं पॉकेट फ्रेंडली भी हैं आप सर इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं पहला फैक्टर तो ये है कि इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम या थोड़ी सी बढ़ी है बट महंगाई बहुत बढ़ गई लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ी तो एक्चुअली वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली आ गई एक ये बड़ा फैक्टर है वन सेकेंड फैक्टर जैसे हमारी पर्सनल क्लिनिक में रहता है तो हमारी जो बाइंग है मतलब वो थोड़ी बल्क रहती है मतलब बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स तो हमारी जो पर्सनल कॉस्टिंग है कम होती है तो हम थोड़ा सा पेशेंट को वो बेनिफिट भी पास ऑन कहीं ना कहीं कर देते हैं ठीक है और थर्ड ये आ गया अब वैल्यू वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले लोग वैल्यू नहीं समझते थे कई बार हमें आप ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ तो सस्ती और महंगी मैं इस चीज़ पे डिसाइड करता हूँ कि उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या है ठीक है वही दस लाख की कार एक बंदे को महंगी लग सकती है वही दस लाख की कार एक बंदा जो पंद्रह भी है, वो अफोर्ड कर रहा है उसको सस्ती भी लग सकती है क्या उसको वो वैल्यू दे के जा रही है अगर वो वैल्यू दे के जा रही है उतनी वर्थ है तो वो हमेशा उसको कॉस्टिंग कम लगेगी सो इम्प्लांट में ऐसा क्या हुआ कि पहले जब फिक्स दांत बनते थे तो ब्रिजेज़ में या सिटीज़ करके तो उसमें नंबर ऑफ सीटिंग्स और प्रिसाइजनेस वो सब कम होती थी इम्प्लांट में वो सब बढ़ गई तो यानी आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट दे बहुत ज़्यादा फ़ायदे गेन कर लिए तो इसका मतलब वैल्यू बहुत बढ़ गई उसकी जब वैल्यू बढ़ गई तो ये बात लोगों को समझ आ गई जब यह समझ आ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइव ईयर्स सेवन ईयर्स टेन ईयर्स लगे अब वो इतनी इस्टेब्लिश्ड हो गई आप हैरान हो गए कि कुछ पेशेंट्स तो ये आते हैं कि भाई मुझे ये वाले ब्रांड का मुझे इम्प्लान डाल दो ये बहुत बड़ी बात है अवेयरनेस की फील्ड में मतलब इंडिया में खास करके तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये अभी बहुत ऊपर जाएगा अभी तो सब एन जो हैं वो अभी से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे कि एन की इसकी लंबी लिस्ट आपने कभी ऐड नहीं की थी कभी आपने किसी को बोला नहीं था ये चेन है क्योंकि लोग इतने जुड़ गए हैं वो आगे से आगे, आगे बात कर लें कनाडा की बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें यूके की बात कर लें यूएसए की बात कर लें जर्मनी की बात कर लें तो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वो आपके पास एन आ रहे हैं और पहले से टाइम ले रहे हैं और आप क्योंकि आप एक सिस्टमेटिकल वे से चल रहे हैं आपकी अपॉइंटमेंट का जो समय है आपने जो मर्जी हो जाए वो समय पर ही ऐसा uh, होता है कि इसमें uh, जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर वो दो तीन चीज़ें ढूंढते हैं उसमें सबसे पहले वो अपना डॉक्यूमेंटेशन ढूंढते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन 20 साल का मतलब 2004 से जब हमने खोला है तब का भी डॉक्यूमेंट मतलब मुझे पेशेंट का मैं चाहूँ तो अभी सर्च करके आपको आपके सामने रख दूंगा सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो वो पेश वो पेशेंट ढूंढता है उनको यहाँ मिलता है सेकेंड है कि ट्रांसपेरेंसी तो आप ट्रांसपेरेंसी जितनी अच्छी क्रिएट करके रखोगे पेशेंट्स को क्लियर बताओगे कि भाई ये चीज़ है ये ऐसे है और इसके ये प्रोशन कौन सा है ये आपको करके दे रहे हैं अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हो तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं तो ये वर्ड ऑफ माउथ से इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है क्योंकि मेरे पास पहले जो पेशेंट थे मुझे इनिशियली याद है चार पाँच साल में कनाडा और ज़्यादा ज़्यादा यूएस से एंड हौली हौली स्प्रेड करते हुए ये हुआ कि यूके, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दुबई जर्मनी फ्रांस मतलब जहाँ पे भी पंजाबी बसते हैं वापस आते हैं वो लोग तो कराते ही कराते हैं साथ में अब वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से जो उनके वहाँ के फ्रेंड्स हैं क्योंकि यूके के मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ ट्रीटमेंट या तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं या मिल रही हैं तो बहुत कॉस्टली मिल रही हैं तो वो यहाँ आके कराते हैं तो एक डेंटल टूरिज़्म मेरा बल्कि सरकार को भी आह्वान है कि डेंटल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो जितने यत्न कर सकते हैं हम लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिशन हमारे लेवल पे तो वो चीज़ें हो नहीं सकती हम लोग तो अपने लेवल पे काम कर सकते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वो कर सकते हैं बट अगर ये गवर्नमेंट का हमें थोड़ा सा ये साथ मिलेगा तो ये चीज़ बहुत ऊपर जाएगी बहुत ऊपर जाएगी डर साहब आपका बहुत धन्यवाद हमें समझ देने के लिए और हमें खुशी है कि एक ऐसा डॉक्टर जो सेवा का पुंजन के लुधियाना में अपनी सेवा कर रहा है और जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पंजाब का जो है एक शेर जैसे हम कहेंगे आपने जो जो आपको वहाँ पर सम्मानित किया गया आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच